हम सब जानते हैं भारत में राम के बगैर कोई काम नहीं होता। घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है, बच्चे का जन्म होता है, अखंड रामायण का पाठ, कोई शुभ कार्य होता है, राम नाम संकीर्तन, जगते हैं राम, सोते हैं राम, चलते हैं तो राम, भोजन करते हैं तो राम, और अंतिम यात्रा भी निकलती है तो राम। यानी भारतीय जीवन पद्धति में राम के बगैर कोई काम नहीं होता है। और दुनिया के अंदर अकेला उदाहरण है। लगभग 500 वर्षों तक कभी भी श्री राम जन्मभूमि का मुद्दा दबा नहीं। पहले पूज्य संतों ने, फिर राजे रजवाड़ों ने, अपने समय के धर्मयोद्धाओं ने, अपने अपने कालखंड में अलग अलग व्यक्ति इसे अपना मुद्दा बनाकर के लड़ता रहा, भिड़ता रहा, बिना झुके, बिना रुके, बिना डिगे इस मिशन को लेकर के आगे बढ़ता रहा। और दुनिया के अंदर किसी एक पावन स्थल के लिए इतने लोगों ने अपनी शहादत दी हो, इतने बड़े संकल्प हुए हो, अन्यत्र देखने को भी नहीं मिलता है। यह इसलिए हुआ क्योंकि राम के बगैर हमारा कोई काम ही नहीं होता। जिसने राम का नाम लिया वो तर गया। उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं कि वो दैवीय परंपरा में पैदा हुआ है या मनुष्य में या फिर किसी अधम योनि में। राम के नाम ने उसे देवत्व स्वयं प्रदान कर दिया। लेकिन जो राम से भागा, श्रेष्ठ कुल में पैदा होने के बावजूद भी पशुवत मारा गया। यह भी उदाहरण हमारे सामने है। राम का नाम भजा तो हनुमान हमारे लिए देवत्व स्वरूप प्रकट हो गए, और राम से दूरी बनाई तो मारीच पशुओं की तरह मारा भी गया। आपकी तरह मुझे भी 22 जनवरी का इंतजार है। और स्वाभाविक रूप से हम सब उत्तर प्रदेश वासियों का, अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी इसमें और भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि अवधपुरी में और प्रभु का पुनरागमन हो रहा है अपने भव्य मंदिर में। यद्यपि प्रभु तो सर्वव्यापी है, लेकिन भव्य मंदिर में उनका आगमन, अवधपुरी को उस रूप में हमें प्रस्तुत करना है। इसीलिए मध्यकाल में संत तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे शब्दों में इस बात को कहा था कि अवधपुरी सुही सोहाई ए भांति प्रभु मिलन आए चलो भांति। स्वाभाविक रूप से अवधपुरी उसी मनसा के साथ, जो केवल शब्दों में नहीं व्यवहारिक धरातल पर भी वह दिखाई दे, इसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मनसा और उनकी भावनाओं के अनुरूप उसको जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य पिछले 2-3 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के विशेष रूप में हम लोगों ने वहां पर करने का प्रयास किया है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पूरे देश को, पूरी दुनिया को, जहां कहीं भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी है, भारत का हितेशी है, उन सबको इस तिथि का स्मरण है और वह इस बात को जानना चाहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति बेसब्री के साथ इन बातों का इंतजार कर रहा है कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी भय सकल सौभाग्य खानी। यानी प्रभु का आगमन से ही अयोध्या शोभायमान हो जाए, उस प्रकार से सज जाए, और इसी भाव के साथ हम लोगों ने अयोध्यापुरी के लिए कार्य करना प्रारंभ किया।